मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा से भिमंडी टीएमटी बस में यात्रा करने वाले जो यात्री हैं उनकी हमेशा शिकायतें सामने आती हैं बस की टाइमिंग को लेकर, और ख़ास तौर पर भिमंडी जाने के लिए शीलफाटा इलाके से बस चलाने की मांग की जा रही है। मुंब्रा पुलिस स्टेशन और भारत गेट से भिमंडी जाने के लिए बस है, लेकिन इसकी टाइमिंग बहुत कम लोगों को मालूम है। आपको इस बसों की टाइमिंग भी हम बताएंगे, लेकिन अब शीलफाटा से भिवंडी तक बस चलाने की मांग की जा रही है, क्योंकि शीलफाटा इलाके के जो लोग हैं उन्हें भारत गेट या फिर मुंब्रा पुलिस स्टेशन आकर बस पकड़ना पड़ता है भिवंडी जाने के लिए। इसकी वजह से उनका डबल किराया खर्च होता है, और साथ ही कभी कभी ट्रैफिक में होने की वजह से उनकी बस भी छूट जाती है। इसलिए कल परिवहन समिति सदस्य शमीम खान से सवेरा फाउंडेशन की तरफ से मुंब्रा शहर के कई टीचर्स और पत्रकारों ने लेटर देकर ये मांग की है कि शीलफाटा इलाके से भिमंडी तक बस शुरू की जाए। वैसे तो अभी भी टीएमटी की बस भिमंडी के लिए चलाई जा रही है, जो भारत गेट से भिमंडी के लिए 84 नंबर बस चलती है। ये बस सुबह 6:15 पर और फिर 7 बजे, 8 बजे और 9 बजे चलती है। यही बस फिर रिटर्न भिमंडी से भारत गेट के लिए सुबह 8:20 पर और दोपहर 12:30 है। इसके अलावा मुंब्रा पुलिस स्टेशन से भिवंडी शिवाजी चौक जाने के लिए 84 नंबर बस सुबह 10:10 पर, फिर 11:10 पर, फिर 12:10 पर, फिर 2:50 पर, फिर 3:50 पर, फिर 4:50 पर, उसके बाद 7 बजे और 8 बजे तक यहां से बस भिवंडी के लिए जाती है मुंब्रा पुलिस स्टेशन से। और इसके अलावा शिवाजी चौक से मुंब्रा के लिए फिर यही 84 नंबर बस जो है ये सुबह 9:20 पर, 10:20 पर, 11:30 पर, 1:30 पर, 4:10 पर, 5:10 पर, 6:10 पर, 7:20 पर, 8:20 पर, और फिर रात करीब 11:20 पर भिवंडी शिवाजी चौक से मुंब्रा के लिए ये बसें छूटती हैं। हालांकि शीलफाटा से भिमंडी तक के लिए जो टीएमटी बस की मांग की जा रही है, इन मांगों को लेकर जो है शमीम खान और मुंब्रा शहर के जो टीचर्स हैं, इन लोगों ने क्या कहा है आपको सुनाते हैं। सर, आप लोगों ने शमीम भाई को लेटर दिया है बस के ताल्लुक से, तो कहां से कहां तक के बस चालू करने की आपने मांग की है, क्या डिटेल होगी? कुछ अर्सा पहले भिवंडी के लिए यहाँ से हमारे टीचर्स, स्टूडेंट बहुत सारे जो है सफ़र करते थे, लेकिन बस का इंतज़ाम बिल्कुल नहीं था। लेकिन ये जब से शमीम भाई परिवहन समिति के सदस्य बने हैं, अलहमदिल्ला इनकी कोशिशों से जो है वो भिवंडी के लिए सुबह बस शुरू की गई और उससे फ़ायदा भी हुआ। लेकिन अभी ये कुछ बसें जो है मॉर्निंग के लिए जाने वाले लोगों को तो फ़ायदा हो गया, टीचर्स को, स्टूडेंट्स को, लेकिन दिन में हम क्या चाह रहे थे, हम एक बार फिर आज शमीम भाई के पास इससे शिकायत ये लेके आए कि और भी बसें यहाँ से शुरू की जाएँ, और जो बस जो फायर ब्रिगेड से जा रही है वो शीलफाटा से हो जाए, ताकि वक्फे से बस जाएंगी तो यहाँ से जाने वाले को भी फ़ायदा होगा, और जो सुबह मॉर्निंग वाले तो वो तो चले जाते हैं, लेकिन उसके बाद जाने वालों को जो बड़ी बड़ी दिक्कतें आती हैं भिवंडी जाने के लिए। आने वालों के लिए क्या तकलीफ? आने वालों के लिए भी वहाँ पर जब आने का वक्त होता है तो वहाँ पर भिवंडी बस स्टेशन के ऊपर, बस स्टैंड के ऊपर जब पूछा जाता है कि मुंब्रा के लिए बस है, तो वहाँ बिल्कुल कोऑपरेशन नहीं मिलता। वहाँ से कहा जाता है कि नहीं, मुंब्रा के लिए कोई बस नहीं है। तो हमने ये भी उनसे दरख्वास्त की कि भिवंडी स्टेशन के ऊपर भी जो है टाइम टेबल हो कि भिवंडी से कौन कौन से वक्त में जो है मुंब्रा के लिए बस जाएंगी, वहाँ पर भी एक टाइम टेबल दिया जाए उनको भी, ताकि आने वालों को और पूछने वालों को दिक्कत ना है, वो आसानी से जो मुंब्रा तक वो पहुँच सके। कितनी नंबर बस यहाँ से फायर ब्रिगेड से छूटती है? ये 70 नंबर बस जो है शायद मुझे लगता है यहाँ से जाती है अभी फायर ब्रिगेड से, तो सुबह मॉर्निंग के लिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसके बाद वाले जो स्टूडेंट और कॉलेज जो जैसे BHMS वहाँ पर एक कॉलेज चलता है, वहाँ के बहुत सारे स्टूडेंट मुंब्रा से भी जाते हैं यहाँ पर, उनका जो है 11 बजे के बाद का जो है 10 बजे के बाद का सफ़र रहता है पढ़ने वालों का, कॉलेज के बच्चों का। तो हमने शमीम भाई से दरख्वास्त की है कि अलहमदा उन्होंने पहले भी कॉपरेट किया है, और आइंदा हमें ये चाहते हैं कि अभी भी कॉपरेट करें,
और जो दिक्कतें आ रही भिवंडी जाने के लिए उनको जो है आसानी हो जाए, बस ये शिकायत लेके आए कि मेमोरेंडम हमने आज उनके पास दिया है। अलहमदा उन्होंने वादा किया हमसे कि मैं मुमरा के लिए भी पूरी कोशिश करूँगा, ये दिक्कत दूर करूँगा और भिवंडी के लिए भी ये कोशिश करूँगा कि वहाँ पर भी टाइम टेबल हो और वहाँ से भी आने वालों को आसानी हो। फिलहाल कितनी बसें चल रही हैं? मुझे लगता है शायद 3 बसें चल रही है सुबह मॉर्निंग के अंदर, एक 2 बसें यहाँ से हैं और एक बस जो है वो फायर ब्रिगेड से जा रही है। शमीम भाई इसके पहले भी आपको कुछ टीचर्स और कुछ स्टूडेंट्स ने लेटर दिया था और शिलफाटा से भिवंडी के लिए बस चालू करने की मांग की थी, क्या हुआ, क्यों नहीं चालू हो पाया, आज दोबारा ये लोग आपके पास आए? देखिए इस्लामुद्दीन भाई, सबसे पहले तो मैं सवेरा फाउंडेशन मुमरा का जो आज ये डेलीगेशन राष्ट्रवादी ऑफिस पर आया हुआ है, मैं सबसे पहले मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ और उनका खैर मकदम करता हूँ इस बात के साथ में कि उन्होंने ये जो इशूज़ लाए हैं मेरे पास वो बहुत ही जेन्युइन इशूज़ है और मैं इसके बारे में सभा गृह के अंदर पहले भी आवाज़ उठा चुका हूँ और मैं ये समझता हूँ कि जब भी भिवंडी की बात आई है, मैं खास करके अनवर भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ कि अनवर भाई ने खास करके भिवंडी, गोवंडी, मीरा रोड, भाईंदर ऐसे इलाकों के लिए, कुर्ला, मुंबई के लिए मुझे उन्होंने अक्सर सलाह दिया कि शमीम भाई यहाँ पे कुछ ऐसे रेलवे स्टेशन हैं, इस्लामुद्दीन भाई मैं कहना चाहूँगा आपके माध्यम से, जिसमें से एक भिवंडी है, भिवंडी के लिए मुमरा से ट्रेन नहीं है, यहाँ से अगर आपको दहसर मोरी जाना है, अगर आपको यहाँ से मीरा रोड जाना है तो वहाँ के लिए ट्रेन नहीं है, अगर आपको यहाँ से एग्जाम्पल वाशी जाना है, अगर आपको यहाँ से पनवेल जाना है तो डायरेक्ट ट्रेन नहीं है, डोंबोली जाना है तो यहाँ से आपको उसके लिए ट्रेन मिल जाती है। तो ऐसे रेलवे स्टेशन के लिए जब भी बात आई है, देखिए मैं जब TMT मेंबर हुआ उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैं सर बताना चाहता हूँ आपसे कि 3 बसें नहीं है सर, 4 बसें, जी 4 बसें चलाई जाती है, जिसका उद्घाटन हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र दवाड़ साहब के हाथों से मुमरा रेलवे स्टेशन के एम गेट पे अनवर भाई पाया गया था, जिसमें आप तमाम पत्रकार भाइयों ने इसकी न्यूज़ भी लगाई थी, आपने चलाई भी था इस्लामुद्दीन भाई, वो बसें अल्हम्दुलिल्लाह आज भी चल रही है। मैं बहुत फख्र से कहना चाहता हूँ कि 144 बसें फेरा मारती है मुमरा शहर से लेकर के तमाम इतराफ़ के इलाकों में। सर मुझे खुशी है इस बात का कि मैं मुमरा कोसा को इस पोजिशन में अल्हम्दुलिल्लाह है कि आज बसेस के लिए कहीं परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता है आज बसेस। लेकिन जो आज मांग है आपकी कि भिवंडी के लिए जो बसेस चल रही है मुमरा रेलवे स्टेशन से, जो चल रही है मुमरा फायर ब्रिगेड से, उसको चलाया जाए शिलफाटा भारत गेट से। मैं आज इस डेलीगेशन को ये उम्मीद दिलाता हूँ कि इंशाल्लाह ताला मैं डॉक्टर जितेंद्र दवाड़ साहब के नेतृत्व में मैं सभागृह के अंदर इस आवाज़ को उठाऊँगा और बहुत जल्द इसको पूरा करके लूँगा। इस्लामुद्दीन भाई ने आपसे सवाल किया कि इसके पहले भी बहुत सारे टीचर्स ने, बहुत सारे लोगों ने हमको इसके बारे में खत दिया था, तो आपको बताना चाहता हूं मैं कि एक बस मुमरा रेलवे स्टेशन से 2 बसें चल रही है और 2 बसें, हाँ, मुमरा पुलिस स्टेशन चल रही है, मुमरा पुलिस स्टेशन और फायर ब्रिगेड भी चल रही है भाई, और 2 बसें चल रही है भारत गेट से। वो लेकिन वो कैसा हो रहा है कि बहुत सारे लोगों को इसकी जानकारी नहीं प्राप्त है, तो आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि भारत गेट में जो कंपनी है, उस कंपनी से जो बस स्टॉप है, जो बस स्टॉप को लगाया था हम लोगों ने, वहाँ से तो बसेस चल रही है लेकिन सुबह में चल रही है, मॉर्निंग में चल रही है, और मैं ये कोशिश करूँगा कि जो 2 बस चल रही है फायर ब्रिगेड से वो भी बस चलाई जाए शिलफाटा से, तो ऐसी मेरी कोशिश होगी इंशाल्लाह ताला। और भिवंडी से भी जो आपने कहा सर कि भिवंडी से भी आपकी ये कंप्लेंट मिल रही है, तो इंशाल्लाह ताला मैं सवेरा फाउंडेशन को ये उम्मीद दिलाता हूँ कि इंशाल्लाह ताला एक दिन जब मैं ये सभागृह के अंदर मंजूरी ले लूँगा, उसके बाद ये कोशिश करेंगे कि हम लोग एक दौरा करेंगे वहाँ के जो बस डिपो है, कहाँ का, भिवंडी का अनवर भाई, तो वहाँ जाएंगे जो स्ट्री स्टैंड है वहाँ जाकर के हम लोग बात करेंगे, वहीं से बसें चलाई जाती है, वहाँ बात करके पूरा प्लान करेंगे और मीडिया के माध्यम से, होर्डिंग के माध्यम से ये पूरा मैसेज देंगे कि ये बस नंबर फला फला बस स्टॉप से चलाई जाएगी, वो चाहे भिवंडी हो चाहे मुमरा हो।